अगर होपोनोपोनो प्रेयर को चैंट करने पर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ गलतियां ज़रूर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो उन सभी के लिए है जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि वो होपोनोपोनो को चैंट तो कर रहे हैं लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं दिखाई दे रहे उससे, और फिर उसकी वजह से वो इस शक में आ जाते हैं कि शायद ये प्रेयर काम नहीं कर रही है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि होपोनोपोनो प्रेयर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हमारी इसमें इच्छा भी मैटर नहीं करती कि क्या मैं चाहती हूँ या नहीं चाहती हूँ और कितनी पावरफुली मैं इसको चैंट कर रही हूँ, ये भी मैटर नहीं करता, और ये फिर भी हमारी लाइफ में से नेगेटिविटी को रिलीज़ करती है। लेकिन कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इसको ध्यान से देखो और देखो कि आप कौन सी गलतियाँ कर रहे हो जो आपको अब से नहीं करनी है ताकि आपको भी रिजल्ट्स मिल सकें। तो पहला जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, हमारा थॉट प्रोसेस। हमारी थिंकिंग इतनी नेगेटिव रहती है, नॉर्मली हम सभी किसी भी गोल के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी इंसान के प्रति उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हम कम देखते हैं, हम नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा नोटिस करते हैं क्योंकि हमारा माइंडसेट शुरू से ही ऐसा है। हर चीज़ में हम शक क्रिएट करते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा सामने वाले का, या फिर मेरे साथ अच्छा नहीं हो सकता। इस तरह की जो नॉर्मल बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग होती है वो नेगेटिव की ओर ज़्यादा होती है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि अगर आपके माइंड में 24 में से 10-10 घंटे नेगेटिविटी ही आप क्रिएट करते जा रहे हो अपने थॉट से, तो आपको चैंटिंग भी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो आप सिर्फ एक बार सिर्फ 10 मिनट के लिए चैंटिंग करके बाकी पूरा दिन और ज़्यादा इंटेंसिटी में नेगेटिविटी क्रिएट करते जा रहे हो, और फिर आपके मन में ये सवाल आएगा ही आएगा कि होपनोपनों से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आप नेगेटिविटी भी उतनी ज़्यादा क्रिएट करते जा रहे हो। तो पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको अपनी नेगेटिविटी जो है, नेगेटिव थिंकिंग है, उसके हिसाब से अपनी चैंटिंग को बढ़ाना होगा। आप सिर्फ मॉर्निंग के या इवनिंग के 10 मिनट देकर इससे लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप उस प्रोसेस को नहीं रोक रहे। आप नेगेटिविटी तो क्रिएट करते जा रहे हो और पॉजिटिविटी के लिए सिर्फ थोड़ा सा टाइम दे रहे हो, तो आपको वो टाइम बढ़ाना पड़ेगा। आप चाहो तो आप पूरा दिन इसको चैंट करो अपने हिसाब से कि मैं नेगेटिव कितना सोचती हूँ किसी भी इंसान के प्रति या किसी चीज़ के प्रति। दूसरी चीज़, जब आप इसको चैंट कर रहे हो, आप किसी एक चीज़ के लिए, मान लो आपको अभी लग रहा है कि ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ है जिसको, जो अगर ठीक हो जाए तो मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करूँगी या फिर मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी, तो आप उस चीज़ के लिए हर दिन आपको चैंट करना है। आपको सिर्फ आज ही चैंट नहीं करना कि आज आपने 5-6 घंटे कर लिया और उसके बाद आप भूल ही गए कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम भी थी। तो आपको इसे तब तक चैंट करना है जब तक कि आपको पूरी तरह से रिजल्ट नहीं मिल जाता, आपके अंदर से उस चीज़ के लिए या उस इंसान के लिए नेगेटिविटी ख़त्म नहीं हो जाती। तो ये भी आपको गलती नहीं करनी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, आपको एक इंटेंशन रखनी है किसी भी चीज़ के लिए अगर आप चैंटिंग कर रहे हो। मान लो आप अपने फियर के इमोशन के लिए कर रहे हो, आप डर के इमोशन के लिए चैंटिंग कर रहे हो, तो आपको पहले चेक करना है कि आप किस तरह से उस डर को अपने अंदर, अपनी बॉडी में, अपने माइंड में उसको किस तरह से महसूस करते हो, किस तरह से आपके लिए डर वर्ड का मीनिंग है। आपको उसके लिए एक इंटेंशन रखनी है कि हाँ, मैं अपने अंदर से इस नेगेटिव इमोशन को रिलीज़ करने के लिए ये चैंटिंग कर रही हूँ। मैं डर की बजाय मैं हिम्मत भी महसूस कर सकती हूँ, करेज भी फील कर सकती हूँ, लेकिन इतने सारे लोगों में से मैं ही हमेशा डर अपने अंदर महसूस करते जा रही हूँ। तो आज मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ कि मैं इस डर के इमोशन के लिए आपसे फॉरगिवनेस कर रही हूँ, माफ़ी मांग रही हूँ। तो ये इंटेंशन बहुत मैटर करती है। आप अगर फील नहीं कर रहे हो, आप सॉरी बोल रहे हो पर आपको पता नहीं आप क्यों सॉरी बोल रहे हो, और आपको वो फीलिंग ही नहीं आ रही कि मैं सॉरी भी बोल रही हूँ और लेकिन आपको मन भी नहीं है सॉरी बोलने का, तो ये जो एक फेज़ अगर आप फील करते हो कि आपने आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू बोला, लेकिन आपके अंदर कोई इमोशन ही नहीं है कि मैं क्यों सॉरी बोल रही हूँ, मेरा मन भी नहीं है, तो उस टाइम पे आप इंटेंशन नहीं क्रिएट कर रहे हो कि हाँ मैं गलती कर रही हूँ, मैंने अपने अंदर सैडनेस फील की है या फिर मैंने अपने अंदर डर महसूस किया है कितने सालों से, कितने टाइम से, आज मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उसको रिलीज़ करने के लिए तैयार हूँ, मैं उसके लिए सॉरी बोलने के लिए तैयार हूँ, दैट आई एम सॉरी, ये डर मैं अपने अंदर फील कर रही हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं इस डर को अपने अंदर लगातार बढ़ाते जा रही हूँ, उसकी बजाय मैं पॉजिटिव इमोशन चूज़ नहीं कर रही, एंड आई थैंक यू मुझे ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि मैं इस इमोशन को भी रिलीज़ कर सकती हूँ, इसकी जगह दूसरा इमोशन भी चूज़ कर सकती हूँ, एंड आई रियली लव यू। अगर आप इस तरह से इंटेंशन के साथ, एक एक्सेप्टेंस के साथ अगर इसको करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स देगी। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो अपनी प्रैक्टिस में तो आपको टेम्प्रेरी रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए लगातार चैंटिंग करते हैं, 2-2-3-3 घंटे चैंटिंग करते हैं, तो उनको उतने ही बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं।
तो शॉर्ट टर्म में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको शॉर्ट टर्म में रिजल्ट चाहिए तो मे बी आपको 5 या 6 बार बोलने पर भी ये रिजल्ट दे दे, लेकिन आपका ध्यान भी होना चाहिए। हमारा फोकस बहुत मैटर करता है। मान लो आपने किसी कोई अप्लायंस नहीं चल रहा आपका, आपने उसके लिए इसको चैंटिंग की, लेकिन अगर आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं है, आपने उसके बारे में सोचा ही नहीं है, तो आपको ये रिजल्ट नहीं देती है। तो होप नुपनों में हमारा इंटेंशन बहुत मैटर करता है। अगर आप उससे जल्दी और फास्ट और ज़्यादा लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स क्रिएट करना चाहते हो, तो अगर इसमें से कोई भी मिस्टेक कर रहे हो तो आप उसको ठीक करिए, आपको डेफिनेटली इससे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल प्रेयर है। और ये जितनी ज़्यादा आप चैंटिंग करेंगे उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी लाइफ से रिलीज़ होगी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके, और अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।